वरिष्ठ संवाददाता, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय DGCA नई दिल्ली ने अपनी सहमति जता दी है। DGCA अगले सप्ताह तक औपचारिक लाइसेंस जारी कर देगा, जिसके बाद एयरपोर्ट अपनी सुविधा अनुसार विमानों का संचालन शुरू कर सकेगा। फरवरी 2021 से पहली उड़ान की तैयारी है, जो लखनऊ और गया के लिए होगी। पिछले महीने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आई टीम एयरपोर्ट की सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आई। टीम ने दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह तक उड़ान के लिए लाइसेंस जारी करने का हवाला दिया है। लाइसेंस की प्रक्रिया के बीच एयरपोर्ट प्रशासन ने फरवरी 2021 से उड़ान शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ से पहली उड़ान लखनऊ और बिहार के गया के लिए होगी। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए गोरखपुर एयरपोर्ट के निदेशक अनिल कुमार द्विवेदी की पहले निदेशक के तौर पर यहाँ अस्थायी तौर पर तैनाती कर दी गई है। रनवे समेत सभी निर्माण कार्य पूरे कार्यदायी संस्था राइट्स इंडिया कंपनी ने 3500 मीटर लंबाई व 45 मीटर चौड़ाई में रनवे का निर्माण करा दिया है। रनवे से जुड़े अन्य निर्माण मसलन टर्मिनल बिल्डिंग, ओवर रन्स, टैक्सीवेज, अपरन, शोल्डर, अप्रोच रोड, फेरी फेरल रोड, मोबाइल ATC, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, आगमन प्रस्थान, बाउंड्री वाल तथा एप्रन तक जाने वाले मार्ग का निर्माण, हवाई पट्टी की सफाई और मेंटेनेंस, एयरपोर्ट की सुरक्षा आदि अत्यावश्यक सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। ATC बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्माण का काम भी काफी हद तक पूर्ण हो चुका है। जब तक सभी कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक के लिए मोबाइल ATC स्थापित कर दिया गया है। हवाई पट्टी की बाउंड्री के सभी खुले हिस्सों को बंद करा दिया गया है। UP समेत बिहार के पड़ोसी जिलों को भी सहूलियत। नागर विमानन मंत्रालय की स्कीम उड़ान 3 के तहत कुशीनगर एयरपोर्ट से दोनों उड़ानें शुरू होंगी। टर्बो एविएशन को इसकी जिम्मेदारी मिली है। कुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ की यात्रा 1 घंटे में पूरी होगी, वहीं बिहार के गया जिले की मौज 1 घंटे में भी पूरी होगी। लखनऊ के लिए हवाई सेवा शुरू होने से कुशीनगर के अलावा गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज समेत बिहार के पड़ोसी जिलों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। लखनऊ के लिए अभी सिर्फ सड़क मार्ग ही सहारा है। ट्रेन से यात्रा के लिए कुशीनगर के लोग सड़क मार्ग से गोरखपुर आते और जाते हैं और फिर लखनऊ पहुंच पाते हैं। इसमें 7 घंटे लगते हैं। DGCA ने कुशीनगर एयरपोर्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। अगले सप्ताह तक लाइसेंस मिलने की संभावना है। फरवरी 2021 से पहली उड़ान शुरू होने की पूरी तैयारी है। अनिल कुमार द्विवेदी, डायरेक्टर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।